नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि हम अपने डेली एक्सपेंसेस को एक्सेल शीट में कैसे अपडेट कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट में हम ये देखेंगे या फिर हमें यह पता चलेगा कि हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है एक महीने में और ठीक उसी महीने में हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, यानी हम कितना सेविंग्स कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा डेमो देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो टेबल है हमारा, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सारा, जहाँ पे डेली एक्सपेंसेस डिटेल्स है, मंथ है और ओपनिंग बैलेंस मैंने लिया है 10,000। यानी अगर आपकी सैलरी आती है आप उसमें एक कोई फिक्स अमाउंट निकालते हैं खर्च करने के लिए, सो मैंने उसी से 10,000 निकाला है। यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं जो कि आज का डेट है 3 तारीख। डिटेल्स मैंने बोला सबसे पहले मैंने आज सुबह एग लिया मॉर्निंग पे, इन हमारा कितना 0, आउट हमारा हो गया 24, यानी कि जो मैंने 4 अंडे लिए थे यहाँ पे 24 रुपए हुए। तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो है 9976। अगर यहाँ पे 24 की जगह पे मैं यहाँ पे 30 कर दूं, बूम, देख रहे ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, हर एक चीज जो ऑटोमेटिक चेंज हो चुके हैं। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप इसको कहीं से भी एडिट कर सकते, आपको वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करेगा वैल्यूज। अब जो हमारा दूसरा है 100, यहाँ मिल्क का लिया मैंने आउट, यानी कि 25 रुपए मेरे मिल्क में खर्च हुए, लेकिन 100 रुपए मैंने एटीएम से निकाले। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं 997, दोनों को अब अगर ऐड करते हैं माइनस करेंगे तो आपका 1,10,045 रुपीज बैलेंस आएगा। अब अगर जहाँ पे मेरा 100 रुपीज में यहाँ पर 200 करता हूँ, मैंने एटीएम से 200 निकाले तो मेरा कितना आ रहा है, बूम। तो आप देख रहे हैं ये फिर से चेंज हो गया। और एक जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो आउट एक्सपेंसेस है और इन बैलेंस है वो भी यहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं, यानी कि इस वक्त आपका जो आउट एक्सपेंसेस है मेरा वो है 2,105 रुपीज। इसको अगर मैं पूरा ऐड करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये टोटल जो आएगा 2,105, और अगर मैं इन बैलेंस को ऐड करता हूँ तो ये टोटल आएगा 900 और हमारा टोटल एक्सपेंस है 8,795। तो ये जो फुल्ली ऑटोमेटेड है डेली एक्सपेंस शीट, इसे अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस चीज को हम बना सकते हैं एक्सेल में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा कि नीचे जो लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं हूँ विजय साहू और आप देख रहे हैं विजयकॉम एजुकेशन, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने शीट पे जहाँ पे हम देखेंगे कि डेली एक्सपेंस डिटेल्स के लिए क्या क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिससे कि ऑटोमेटेड हर एक मैसेज के लिए हर एक वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे वो एक्टिवेट रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है देखिए 10,000, हम यहाँ पे अब देखते हैं हमारा एग मॉर्निंग, जैसे मैंने कहा था हमारा इन 0 है लेकिन आउट हम यहाँ पे 25 रखते हैं। ओके, अब हमारा बैलेंस यहाँ पे क्या शो करेगा, इक्वल टू लगाएंगे, फिर डिवन करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस के बाद ये हमारा प्लस होगा क्योंकि इन हमारा हमेशा प्लस होगा, फिर माइनस, माइनस के बाद आउट, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो हमारा आउट में आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो शो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएंगे जहां तक भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि एक महीने का है तो मैं यहाँ पे एक महीने का पूरा लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे और एक हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मिल्क, एटीएम से हमने 100 रुपए निकाला, हम यहाँ पे और एक वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है 2 दिन का, और मिल्क के लिए कितना हमने 50 रुपए दिया। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू फिर से, अब जो है हमारा जो बैलेंस आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं, पहला जो बैलेंस था हमारा वो 10,000 पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जो दूसरा आएगा वो हमारा इस बैलेंस से डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहां लगाएंगे, प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे ऐड होगा, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा इनटू, बूम गाइस। तो देख रहे हैं ये हमारा बैलेंस आ चुका है, अब है 10,025। तो 9975 में हम अगर 50 ऐड कर
100 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,075 माइनस 50, यानी कि हो गया हमारा 10,025। अब हम इसे ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएंगे तो ये हमारा जो है लास्ट तक आ जाएगा, यहां तक टोटल। अब देखेंगे इसके साथ साथ हमारा आउट एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो आउट एक्सपेंस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे सम, और ये जो हमारा टोटल आउट है इसको यहां से एंड तक लेके आ जाएंगे ट्रैक करके, जहां तक हमारा आउट एक्सपेंस हमें निकालनी है। ब्रैकेट बंद करेंगे, बूम गाइस, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया आप देख रहे हैं इन दोनों का हमारा आउट एक्सपेंस यहाँ पे शो कर दिया। अब हम उसी तरह से इन बैलेंस देखेंगे, जो हमारा इन हुआ है उसे भी करेंगे सम, और इस कॉलम को पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां तक, और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे बूम गाइस, ये हमारा हो गया इन बैलेंस, यानी कि 100 रुपीज हमने एटीएम से निकाले हैं एक्स्ट्रा 10,000 के अलावा। अब टोटल एक्सपेंस हमारा क्या है, तो हमें करना है इक्वल टू, ये है हमारा टोटल एक्सपेंस, यहां इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर। तो आप देख रहे हैं ये हमारा हो चुका टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। अब जैसे जैसे हम इसको चेंजेस करते रहेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो करना है अब शॉपिंग, शॉपिंग के लिए आपने 200 रुपीज इन्वेस्ट किए, जैसे आप टैप करेंगे इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं ये टोटल यहाँ से चेंजेस होने लगा, यहाँ पर भी चेंज होने लगा। एटीएम से आपने 50 रुपीज निकाला, देख रहे हैं यहाँ पे 275 है, 100 है, 9825 है। अब हम एटीएम से 200 रुपीज निकालते हैं, देखते हैं क्या चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ बूम, अब देख रहे हैं फिर से यहाँ पे चेंजेस होने लगे, यानी कि 9825 में 200 ऐड होके 10,025 आ चुका है। अब वेजिटेबल मार्केट में फिर से हम यहाँ पे 50 रुपीज करते हैं बूम गाइस, तो देख रहे ये फिर से ऑटोमेटिक जो चेंज हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपका परफेक्ट जो है शो करेगा कि आपका कितने एक्सपेंस हुए हैं, इन बैलेंस आपका कितना आया था और आउट बैलेंस कितना आपका गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंजेस हो रहे ऑटोमेटिक, यानी कि इन बैलेंस में 300 आया, तो अगर 10,000 में 300 यानी कि हो जाएगा 13,000 में 325 माइनस हुआ, जो कि हो गया आपका 9,975। तो अब ये ऑटोमेटिक जो चेंज होते रहेंगे, आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। राशन के लिए अगर 100 आया तो आप यहाँ पर भी देख रहे चेंजेस हो रहे, और यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपने लिए कोई भी डेली एक्सपेंसेस हर महीने का बना सकते हैं डेट वाइज, तो जिससे आपको पता रहेगा कि आपको एक्सपेंस कितना हो रहा है, आपका इन कितना हो रहा है और आउट कितना हो रहा है। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ लाइक जरूर करें वीडियोस को, क्योंकि आपको लाइक ही है जो हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।